गुजरात के अरावली जिले के अंदर मोड़ासा तहसील में अमलाईटाड़ा गांव में राष्ट्रीय दुमंतु जनजाति महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बाबू भाई का आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृपाल सिंह नायक साहब और इस कार्यक्रम की पूरा आयोजन अजमल भाई वंजारा गुजरात प्रदेश प्रेसिडेंट ने अपने ये कार्यक्रम लगाया। इस कार्यक्रम में गांव के सभी पदाधिकारी और राष्ट्रीय दुमंतु महासभा के सभी पदाधिकारी आए थे। यहाँ के सरपंच और सभी ग्रामजनों ने बाबू भाई को श्रद्धांजलि दी और ये एक ऐसे महान योद्धा थे इस समाज के लिए जिन्होंने बड़े बड़े त्याग देकर समाज को बड़ा बलिदान दिया। और आज इस कार्यक्रम में इनको श्रद्धांजलि देते हुए इनके समाज की जो समस्याएं हैं वो अभी फिर से राष्ट्रीय कृपाल सिंह साहब के अध्यक्षस्थान में अजमल जी साहब के अध्यक्षस्थान में आने वाले दिनों के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और इनके साथ में सी आर पाटिल साहब के रजूआत करेंगे कि इनके पूरे विश्व में पूरे भारत में इनके समुदाय का लोग ज़्यादा है। आज इन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के इन समाज के लिए सरकार अभी तक जो भी योजनाएं दबी हुई है वो उसको खुली करे, इनके शैक्षणिक लाभ, इनके आवास योजना के लाभ और यहाँ के जो भी आबादी है उनको सरकारी रोजगार के अनुरूप जो भी सुविधाएं मिलती है वो मिलनी चाहिए। आज इस बात का यहाँ पे प्रण लिया गया और आने वाले दिनों के अंदर ये दुमंतु जनजाति महासभा का एक बड़ा बड़ा अभियान है कि ये जहाँ जाएगी सरकार वहाँ बनेगी। जय हिंद, जय भारत। मुन्नाराज मंसूरी, आज़ाद न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। आज गुजरात के अरावली जिले के अंदर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद यादव जी ने आज दौरा किया है और पूरे गुजरात में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा है और इसके साथ में इनकी जो मंशा है, इनकी जो उद्देश्य है वो आप आपको बताएंगे, तो हमारे प्रेमचंद यादव जी बोलेंगे। मैं प्रेमचंद यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, प्रदेश अध्यक्ष गुजरात, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद। मैं यहाँ आज अरावली डिस्ट्रिक्ट में श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी के साथ में मुलाकात हुई और हम यहाँ गुजरात में मुन्ना भाई मंसूरी के साथ में भी मुलाकात हुई हमारी और सब हमारा टीम आई हुई है वडोदरा से और महेंद्र सिंह जी को हम प्रदेश में जगह दे रहे हैं और प्रदेश में अच्छे पोस्ट पर रखेंगे। और यहाँ हमने एक एजेंडा लाया है कि माँ गंगा को बुलाना है अरावली में और इस दौरान हम लोग जो है किसी मुलाकात हुई, बातें हुई और माँ गंगा को यहाँ ला के हम एक ऐसा मुहिम खड़ा करेंगे जिससे गुजरात की जनता माँ गंगा का आशीर्वाद ले। हम कृष्ण वंशज हैं और हम यादव कुल के वंशज हैं, यादव कुल में जन्म लिए हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने मुझे गुजरात में बुलाया है और माँ गंगा को लाने के लिए यह संकल्प हमें दिया है। जय जय हिंद, जय भारत। आज़ाद न्यूज़ के माध्यम से हम ये प्रसारित करते हैं।